सब्सक्राइब कीजिए लेडीज दुनिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रोस्टेड पोहा चूड़ा बनाएंगे और ये बहुत ही आसान है और क्रिस्पी बनता है और स्नैक्स के रूप में इसे खाया जा सकता है। पहले हम क्या करेंगे, एक कपड़े के ऊपर यहाँ पे धूप में अच्छी तरीके से ये करेंगे, इसको सुखाएंगे यानी कि ये क्रिस्पी बन जाता है पोहा को। और इसे छन्नी लगाएंगे क्योंकि इसमें कुछ भी गंदगी हो वो निकल जाता है। तो फिर यहाँ पे हमने ले लिया है और दूसरे चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। नमक ले लेंगे, जीरा ले लेंगे, सरसों ले लेते हैं और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, और यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता और अजवाइन और लहसुन ले लेते हैं। लहसुन काट कूट के ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दिया है गरम करने के लिए, तेल डाल देते हैं। और मूंगफली भी ले लेंगे, इसे भी डाल दिया है हमने। और अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे इसे। जो ग्राउंडनट है ऑलमोस्ट 70-80% फ्राई हो चुका है। अब हम चना डालेंगे और अच्छी तरीके से मिलाएंगे और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं। अभी अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद थोड़ा सा सरसों डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन क्रश कर लिया है, इसे भी डालेंगे। और लहसुन को भी थोड़ा सा इसे पेस्ट कर दिया है कूट के, इसे भी डाल देते हैं। और कड़ी पत्ता डालेंगे, अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे और अच्छी तरीके से मिला देते हैं। थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं स्वाद अनुसार और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर डालेंगे यानी कि जीरा पाउडर, इससे टेस्ट बढ़िया आ जाता है। अब सारी चीज़ों को मिलाते हुए ही अब हम जो पोहा है, जो पतला रहता है पोहा, इसे अब हम यहाँ पे डाल देते हैं और अच्छी तरीके से मिलाएंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे अभी। और 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर शुगर डाल देते हैं, इससे टेस्ट बैलेंस कर जाता है और बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट बन जाता है। अब हमारा पोहा चूड़ा रेसिपी तैयार है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है, वाओ यम। अब मैं खा के आपको दिखाती थी हूँ। तो फिर ये हम सर्विंग प्लेट में निकाल देते हैं। और आपको ये रेसिपी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।